अपने जूतों को तकिए के नीचे रखकर सोते थे अमिताभ बच्चन। जाने पूरी कहानी। अमिताभ बच्चन इन दिनों अपने चर्चित टीवी शो कौन बनेगा करोड़पति को लेकर लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। उनके इस शो को लेकर कई तरह की खबरें इस वक्त आती रहती है। इसी दौरान अमिताभ बच्चन को लेकर कई खुलासे भी हो रहे हैं। बीते दिनों अमिताभ बच्चन की प्रॉपर्टी और पॉकेट मनी को लेकर खबरें आई थी। अब इसी शो में अमिताभ बच्चन ने बताया है कि वो अपने नए जूते को तकिए के नीचे रखकर सोया करते थे। बॉलीवुड की दुनिया में भी अमिताभ बच्चन ने ऐसी कई फिल्में बनाई हैं, जिसका मुकाबला आज तक कोई नहीं कर पाया है। हालांकि ये मुकाम हासिल करना अमिताभ बच्चन के लिए इतना आसान नहीं था। कौन बनेगा करोड़पति में महाराष्ट्र के कंटेस्टेंट हेमंत नंदलाल से बात करते हुए अमिताभ बच्चन ने बताया कि उन्होंने अपने जीवन में कई कठिनाइयां झेली हैं। यहां तक कि उनके पास इतने पैसे नहीं होते थे कि वे अपनी क्रिकेट टीम के लिए 2 रुपए दे सकें। महाराष्ट्र के रहने वाले हेमंत नंदलाल से उनके जीवन की कठिनाइयों के बारे में पूछा। हेमंत का जवाब सुनने के बाद बिग बी ने कहा कि केवल आपने ही नहीं, हमने भी अपनी जिंदगी में कई मुश्किलें झेली हैं। इस बारे में बताते हुए बिग बी ने कहा कि हम स्कूल में थे तो हम क्रिकेट टीम बनाते थे, जिसकी मेंबरशिप पाने के लिए 2 रुपए की जरूरत पड़ती थी। उस समय हमारे पास 2 रुपए नहीं होते थे। इसके बाद हम घर जाकर मम्मी से पैसे मांगते थे, लेकिन वो भी मना कर देती थी। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारे पास उस समय इतने साधन नहीं होते थे। उन्होंने आगे कहा कि जब भी हम कोई नया और अलग तरह का जूता खरीदने जाते थे और वे हमें मिल जाता था, तो उसे हम अपने तकिए के नीचे रखकर सोते थे।